अच्छा भाई, लास्ट लास्ट में हम लोगों ने बसेस के बारे में स्टडी कर लिया था, जिसमें आप लोग डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा था वेरियस कंपोनेंट्स के, बेसिकली जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र था, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। अच्छा, इसमें ना वो आपको डायग्राम भी दे रहा है, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो इसी के अंदर हम उसको देख लेंगे। हाँ, टेंशन नहीं, आज इंशाल्लाह सब हो जाएगा। ठीक, तो आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है, कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। आपकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है, उस पर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, लास्ट 9608 के अंदर कुछ चीज़ें थी जो कि कम थी आप लोग के सिलेबस में, अब इन्होंने दो दो तीन चीज़ें ऐड की हैं इसमें, जैसे कैश मेमोरी और नंबर ऑफ कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसके अंदर ऐड हुआ है। पहले आप लोगों की जो 9608 का सिलेबस था, उसमें सिर्फ डेटा बस विड्थ और उसके बाद क्लॉक स्पीड, सिर्फ ये दो चीज़ दो फैक्टर्स थे जो कि बेसिकली कंप्यूटर परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे थे। लेकिन 9618 के अंदर उन्होंने दो चीज़ें ऐड कर दी हैं, जिसमें से उन्होंने आपको नंबर ऑफ कोर्स के बारे में ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। 9618 के पेपर के अंदर एक सवाल आ चुका है, लेकिन कैश मेमोरी का अभी तक नहीं आया है, तो सब चीज़ें देख के करनी है। सही है, सब देखते हैं, लिखते हैं हर एक चीज़। आसान है यार, बहुत आसान है, टेंशन नहीं। सारे एक साथ ही फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर उनको एक साथ स्टडी कर लेंगे। चलो, सबसे पहला फैक्टर जो कि अभी डिस्कस करना है हम लोगों ने, वो है डेटा बस विड्थ। डेटा बस विड्थ क्या चीज़ बात हो रही है, इसको अगर तुम लोगों ने रिलेट करना है, तो इसको रिलेट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये जो डेटा बस है ना, इसकी बात हो रही है, ये जो वायर है इसकी जो विड्थ है, इसको ऑल्टर करने से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो चीज़ बात उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आप लोगों का फैक्टर है इन अफेक्टिंग द कंप्यूटर परफॉर्मेंस। सही है, द विड्थ ऑफ अ बस। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपने बतानी है कि भाई विड्थ ऑफ अ बस से होता क्या है और उसको इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट आएगा। सही है, द विड्थ ऑफ अ बस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी साइमल्टेनियसली ट्रांसफर्ड। एक वक्त के अंदर कितनी बिट्स ट्रांसफर हो सकती हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है विड्थ ऑफ अ बस के ऊपर। इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ अ डेटा बस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ बिट्स। जब आप उसकी विड्थ को इंक्रीज करते हो, तो आप ज़्यादा बिट्स एक ही टाइम पीरियड में ट्रांसफर कर सकते हो, हेंस इम्प्रूव्स प्रोसेसिंग स्पीड। जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है, एज फ्यूर ट्रांसफर्स आर नीडेड, तो वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। तो ये सबसे पहला आपका फैक्टर है जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा होता है। सबसे पहली चीज़ क्या लिखनी है आप लोग इसमें लिखोगे कि भाई जो डेटा बस से फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क पड़ने के बाद आपने अगर उसको इंक्रीज करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। बहुत आसान है, 3 पॉइंट्स हैं, जल्दी से इसको लिख लो। सही है मोहम्मद, इसको लिखना है तुमने। लिख चलो सर, पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन कर दें। देखो, हेंस इंप्रूव्स प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही, क्यों इंक्रीज हो रही है, एज फ्यूर ट्रांसफर्स आर नीडेड, तो आपको ज्यादा ट्रांसफर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वक्त में ज्यादा बिट्स आपकी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस वजह से आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो आपकी एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगी, तो बेसिकली आपकी जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो रही है। सही है, फ्यूर ट्रांसफर्स मीनिंग, देखो कि भाई देखो कम डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना एक वक्त में। सपोज करो एक वक्त में आपने 5 बिट्स ट्रांसफर कर दी हैं, तो इसको एक ट्रांसफर कहेंगे। दूसरे वक्त में आपने दूसरी 5 बिट्स को ट्रांसफर किया, इसको दो ट्रांसफर कहेंगे। तीसरे ट्रांसफर के वक्त आपने 5 बिट्स और ट्रांसफर की, तो एक तरीके से जो नंबर ऑफ ट्रांसफर हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, चलो दूसरा फैक्टर जो कि है आप लोगों का है क्लॉक स्पीड। सही है, क्लॉक स्पीड के बारे में मैंने पहले भी डिटेल में बात की थी, जो कि आप लोगों का लेक्चर 1 था, उसके अंदर डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। कहाँ पे बात की थी हम लोगों ने, इसके सिस्टम क्लॉक जब हम पढ़ रहे थे, इस चीज़ के बारे में। सही है, सिस्टम क्लॉक जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने इसके बारे में बात की थी, क्लॉक स्पीड के बारे में। तो क्लॉक स्पीड क्या चीज़ थी, किसी को याद है? एनीवन?
क्लॉक स्पीड बेसिकली उस रेट को कहते हैं फेच एग्जीक्यूट साइकिल के रेट को। 1 FE साइकिल मतलब फेच एग्जीक्यूट साइकिल इज रन ऑन ईच क्लॉक पल्स। जब भी आपका सीपीयू एक काम करता है जो स्टेजेस से गुजरता है फेच एग्जीक्यूट साइकिल की, जो फेच डिकोड और एग्जीक्यूट, ये जो स्टेजेस हैं 5 स्टेजेस होती हैं वैसे तो, लेकिन अभी आप लोग अपने दिमाग में 3 रखो, फेच डिकोड और एग्जीक्यूट। ये जो 3 स्टेजेस हैं ये एक तरीके से एक पल्स होती है, एक पल्स के अंदर एक ये 3 स्टेजेस से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन गुजरती है, सही है। तो इसको कहते हैं क्लॉक स्पीड, कि 1 सेकंड के अंदर ये कितनी पल्सेस आएंगी और कितनी साइकिल्स को कंप्लीट किया जाएगा, इसको कहेंगे क्लॉक स्पीड। सो द क्लॉक स्पीड डिक्टेट्स द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी रन पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस रन हो सकती हैं वो कौन बताएगा, वो क्लॉक स्पीड पर डिपेंड कर रहा होता है। द फास्टर द क्लॉक स्पीड द मोर इंस्ट्रक्शंस कैन बी रन पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस है, जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो तेज हो जाएगी। द फास्टर द क्लॉक स्पीड, अच्छा इसके अंदर ना एक पॉइंट ऐड कर देना, 1 मिनट। द फास्टर द क्लॉक स्पीड द मोर इंस्ट्रक्शंस कैन बी रन पर सेकेंड, सो द प्रोसेसिंग स्पीड, सो द प्रोसेसिंग स्पीड वुड इंक्रीज, सही। लेट मी फिक्स दिस रियल क्विक। आई गेस इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी। वैसे क्लॉक स्पीड को ना, अगर मैं वैसा रियलिस्टिक बात करूँ ना, तो ये तो आप लोगों को लिखना है, लिखना यही 4 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर रियलिस्टिक बात करें ना थोड़ी बहुत, तो क्लॉक स्पीड को एक लिमिट होती है हर एक क्लॉक स्पीड को करने की ना, तो आप कितना इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे तो भाई आप फिर इसको मैक्सिमम तक इसको इंक्रीज कर दो और उसके बाद आप लोगों के जो है जाहिर सी बात है आपकी प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो जाएगी। एट दी एंड मसला क्या आ रहा है, बिल्कुल ओवर क्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें, तो मसला क्या आ रहा है कि हम इसमें क्लॉक स्पीड को इतना ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाते, क्योंकि जैसे ही हम क्लॉक स्पीड को इंक्रीज करते हैं आप लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हीटिंग इश्यूज। हीटिंग इश्यूज मतलब आपका एयर फ्लो जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो हीट आपका, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि आपका पूरा घर जल सकता है इससे। एंड आई रियली मीन इट, कि जो सीपीयू की हीट होती है उस पर अंडा फ्राई हो सकता है और कुछ भी आप कर सकते हैं, इतना इतना ज्यादा गर्म हो जाता है वो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक एयर फ्लो चाहिए होता है। और मतलब जो स्टार्टिंग में जब मैं गेमिंग करता था, तो मैं इस HP ओमेन का जो लैपटॉप है, गेमिंग गेमिंग लैपटॉप, इसको मैं हाथ भी नहीं लगा सकता था क्योंकि मैं खेल रहा होता था 240 FPS पे और इसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे, इतना गर्म हो रहा होता था। आप AC चलाओ, फिर उसके नीचे सब चीज़ें कर रखो, फैंस जिसके इतने भाग रहे होते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है जैसे, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती। उसके बाद से जब से गेमिंग ख़त्म की उसको मैंने अंडर क्लॉक कर दिया। अंडर क्लॉक मतलब उसकी जो आपकी क्लॉक स्पीड है उसको मैंने डिक्रीज कर दिया ताकि मेरे पास हीटिंग इश्यूज ना आए, सही है। ये कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इवन के लेक्चर्स के अंदर जो है वो फैन की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो बेसिकली इसी वजह से आ रही होती हैं क्योंकि जो वन नोट है ना ये बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है और इसको प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस वजह से ये आप लोगों का कभी कभार ही हो जाता है कि फैन जो है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। कूलर के सामने रखते हैं भाई, वो तो ऐसे भी हो गया था, मैं लैपटॉप उठा के फ्रिज में रखना पड़ा था मुझे, ये भी हो चुका है, सही। तो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है तो आपको उसको मेंटेन रखना पड़ता है। कैश मेमोरी, 2 फैक्टर्स हो गए, तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, पहले इसके ऊपर बेसिक बात करते हैं पॉइंट्स पढ़ने से पहले। कैश मेमोरी बेसिकली आप लोगों की टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, सही है। की प्रोफेशन कैश मेमोरी क्या चीज़ है, आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी, जैसे आपका रैम है ना, एस रैम बेसिकली हम उसको कहते हैं, तो आप लोगों का रैम जो है वो एक तरीके से कैश मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, सही। कोई भी अगर ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आप लोग बार बार रिपीट कर रहे होते हो, तो आपके जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती हैं, टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है, तो उनको एक्सेस करना तेज हो जाता है, आप जो एक्सेस स्पीड है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है, अल्टीमेटली आपकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। कैन ऑल्सो इम्प्रूव प्रोसेसर परफॉर्मेंस, कैश मेमोरी जो है इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव प्रोसेसर परफॉर्मेंस, इट इज सिमिलर टू रैम
बिल्कुल रैम की तरह होता है, कैश यूजेस एस रैम, सो दे हैव फास्टर एक्सेस टाइम एज देर इज नो नीड टू कीप रिफ्रेशिंग। कैश मेमोरी स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस फास्टर, दिस इम्प्रूव्स प्रोसेसर परफॉर्मेंस। सही, जो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों की बार बार इस्तेमाल हो रही होती हैं, एक्सेस करनी पड़ती हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देते हैं ताकि हम उनको जल्दी से एक्सेस कर सकें। तो बेसिकली आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बेहतर हो जाती है। जल्दी से लिखो इसको। अच्छा जी, कैश मेमोरी हो गई, आई गेस तीसरा हम लोगों ने फैक्टर कंसिडर कर लिया, नंबर ऑफ कोर्स। सही है, अब कोर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। ईच कोर, आपके जो सीपीयू है, जो आपका कंट्रोल यूनिट चिप होती है, उसके अंदर कोर्स होते हैं, और हर एक कोर जो है, ईच कोर प्रोसेसेस वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक पल्स। हर एक कोर के पास एक ALU, एक रजिस्टर्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट, ये सब चीज़ें जो हैं एक कोर के अंदर मौजूद होती हैं। अब आप जितने कोर्स को इंक्रीज करते जाते हो, आपके जो ALUs हैं वो एक तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, सब चीज़ें जो हैं वो कोर्स पर डिपेंड कर रही होती हैं। ईच कोर प्रोसेसेस एक कोर एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक पल्स पर परफॉर्म करता है, उसको प्रोसेस करता है। ईच कोर प्रोसेसेस वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक पल्स। एक क्लॉक पल्स मतलब फेच एग्जीक्यूट साइकिल की जो एक साइकिल है उसमें एक कोर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। सही है, मोर कोर मीन्स दैट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्प्रेड बिटवीन देम एंड सो मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड पर क्लॉक पल्स। क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास ज़्यादा कोर्स होंगे तो हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोग को थोड़ा बहुत उसमें भी जाके क्लियर होगा A2 के अंदर जब आप लोग पढ़ोगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पाइपलाइनिंग का। सही है, जिसने आई गेस तुम लोगों ने भी नहीं लिए ना अभी तक क्लास हो। तो पाइपलाइनिंग के अंदर होता क्या है कि हम एक ही साइकिल के अंदर दो दो तीन तीन इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली आपका कोर सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। हाँ सही है, तो हम करते क्या है, एक जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक इंस्ट्रक्शन की स्टेज किसी और कोर परफॉर्म कर रहा होता है, कोई और कोर परफॉर्म कर रहा होता है। मोर कोर्स मीन्स दैट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्प्लिट बिटवीन देम एंड सो मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड पर क्लॉक पल्स। एक क्लॉक पल्स में मोर देन वन इंस्ट्रक्शन उनकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। मोर कोर्स डिक्रीजेस द टाइम टेकन टू कम्प्लीट द टास्क। आपको जो टाइम है वो एक तरीके से बचता है, मीन्स प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो रही है। दैट्स इट। बिल्कुल अब्दुल मनम, हर कोर के पास एक ALU अपना, रजिस्टर्स अपने, कंट्रोल यूनिट अपने, सब चीज़ें होते हैं। ये सब फैक्टर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। बिल्कुल, वो वॉन न्यूमन डायग्राम है। बिल्कुल सही है। अच्छा, नंबर ऑफ कोर्स हम लोगों ने कर लिए, अब इसके बाद है आप लोगों का कॉन्सेप्ट पोर्ट्स के बारे में बात करनी है हमने। पोर्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास, वी हैव USB, HDMI को डिस्कस करना है और VGA को डिस्कस करना है। ये तीन चीज़ें जो है डिस्कस करनी है आपसे। VGA और HDMI जो है वो पहले तो नहीं थी आपके सिलेबस में, लेकिन अभी इन लोगों ने ऐड कर दी है, और मुझे समझ नहीं आता मतलब वीजे पे ऐसे जितना इस्तेमाल भी नहीं होता है, फिर पता नहीं क्यों इन्होंने डाली है सिलेबस में, वो भी ऐड की है, तो पढ़ लेंगे क्या जा रहा है हमारा। सही है, वही तो वीजे तो अब आउटडेटेड हो गया, बहुत कम ही इस्तेमाल होता है।
होता है, ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, जैसे सीडीज हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी वीजीए जो वो टू सम एक्सटेंट इस्तेमाल होता है। हाँ होता तो है इस्तेमाल, ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। चलो पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होंगी? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं आपकी, उनको और एक कंप्यूटर को एक तरीके से कनेक्शन पॉइंट एक उनको प्रोवाइड करते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ कनेक्शन, सही है, जिसमें बेसिकली आप लोगों के जो भी वायर्स हैं वो फिट होंगे उसमें, सही है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं पोर्ट्स। अब इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले यूएसबी को स्टडी करना है कि यूएसबी के क्या बेनिफिट्स हैं, आप लोगों को वो पता होने चाहिए कि यूएसबी के आप लोगों को पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो हर एक बेनिफिट आप लोगों को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं अच्छी खासी दफ़ा पास पेपर्स में। पहले यूएसबी से स्टार्ट करते हैं, फिर एचडीएमआई पर मूव ऑन करेंगे। ओके जी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग पेरिफेरल डिवाइसेस? पेरिफेरल डिवाइसेस फिर बता रहा हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात हो रही है, यूजिंग अ यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए क्या आपके फायदे हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज, फास्ट डाटा ट्रांसफर। जो रेड के अंदर पॉइंट्स हैं वो एक मार्क कंसिस्ट करता है, और जो ब्लू में उसकी एक्सप्लेनेशन होती है वो कंबाइन होकर या तो एक मार्क मिलेगा या तो आप लोगों को डिफरेंट मार्क्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर वो आपको डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन बोलता है तो आप लोगों को दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन। दैट मीन्स फास्ट डाटा ट्रांसफर स्टेट हो गया, फिर इसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को से एक कंप्लीट मार्क गेन करने के लिए। तो इसको सिंगल पॉइंट ही कंसिडर करा करो सेफ साइड पर रहने के लिए, सही है। तो फास्ट डाटा ट्रांसफर यूजफुल व्हेन ट्रांसफरिंग लार्ज फाइल्स सच एज वीडियो फाइल्स। जब आप वीडियो फाइल्स को ट्रांसफर कर देते हो, लार्ज फाइल्स को ट्रांसफर कर देते हो, तो आप लोगों की जो यूएसबी की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड जो रफली अगर हम बात करें तो आई गेस कुछ की तो 1 GB/s भी होती है, कुछ यूएसबीज की वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, 900 MB/s भी होती है। तो बहुत तेज़ आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। इट इज़ यूजफुल व्हेन ट्रांसफरिंग लार्ज फाइल्स सच एज वीडियो फाइल्स। साथ साथ लिखते हैं उसको, ऑटोमेटिक कनेक्शन प्लग एंड प्ले। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? देखो हर एक डिवाइस को आपके पीसी से कनेक्ट होने के लिए उसको ड्राइवर्स चाहिए होते हैं। ड्राइवर्स क्या होते हैं? वो बेसिकली एक जो भी हार्डवेयर की कम्प्लेक्सिटीज होती हैं उनको रिमूव करते हैं, वो उनका जो फंक्शन है उसको एक पीसी को कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई ये इसका ये बटन जो है इसका ये प्रोग्राम हुआ हुआ है, इसको अगर ये बटन क्लिक करते हैं तो ये काम करो, अगर ये करते हैं तो ये करना है, तो ये करना है, तो ये करना है। तो ये सब ड्राइवर्स आपके सीपीयू को बताते हैं। लेकिन क्योंकि यूएसबी भी एक तरीके से डिवाइस है ना, तो इतनी ज़्यादा वो इस्तेमाल हो चुकी है और इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि वो हर पीसी में इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स उसके आते हैं। तो यू आर जस्ट सपोज टू प्लग एंड प्ले, मतलब कि आप उसको इस्तेमाल करो, दैट साइड आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यूजुअली देर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल सेपरेट ड्राइवर्स। पॉइंट नंबर 3, यूएसबी इज़ नाउ एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का ये मतलब होता है जब भी कोई पर्टिकुलर लैपटॉप कंपनी या कोई भी पीसी कंपनी आपकी पीसी को, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी जो कि लैपटॉप्स या पीसी को एक तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमेशा वो उसमें यूएसबी पोर्ट डालते हैं, सही है। तब होता क्या है कि वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कहलाता है कि हर एक लैपटॉप में आपको मिलेगा, ऑनली कंप्यूटर्स विल बी इक्विप्ड बाय यूएसबी पोर्ट, सही जी। फोर्थ पॉइंट, डिवाइसेस मे बी पावर्ड और चार्ज्ड थ्रू डिवाइसेस थ्रू यूएसबी। मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के जो मोबाइल्स हैं, जैसे अभी भी मेरे पास जो नेट की डिवाइस है वो लैपटॉप से ही चार्ज हो रही है, सही है। तो आप जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आप लोग इजीली अपने लैपटॉप से पावर ट्रांसफर भी कर सकते हो। जैसे फाइबर ऑप्टिक की अगर हम बात करें तो फाइबर ऑप्टिक में क्या हो रहा होता है? सिर्फ आप लोगों की क्या ट्रांसफर हो रहा होता है फाइबर ऑप्टिक में? एनीवन? सिर्फ डाटा ट्रांसफर होता है बेहतरीन।
लेकिन यूएसबी के अंदर आप लोग डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो और पावर भी ट्रांसफर कर सकते हो, दोनों चीजें हो रही होती हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस कुड बी चार्ज्ड वाइल वर्किंग एट द कंप्यूटर। जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े एचडीएमआई की तरफ। फिर वीजीए है, वीजीए के बाद आई बिलीव यू आर सपोज टू नो फेच एग्जीक्यूट साइकिल, फिर इंटरप्ट कॉन्सेप्ट है। लिख लिया यहाँ तक? चलो अब हम बात करते हैं एच डी एम आई के ऊपर। लेट्स सी, इसके आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए, तो हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहले हम सिर्फ एच डी एम आई के ऊपर बात करेंगे, फिर इसके एडवांटेजेस और फिर उसके डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। पोर्ट से आगे हम लोगों ने है आपका फेच एग्जीक्यूट साइकिल है, देखते हैं अगर टाइम मिला तो कर लेंगे, वरना मैं एक्स्ट्रा क्लास रखवा करवा दूंगा, मसला नहीं। चलो एच डी एम आई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, एच डी एम आई। हेल्प्स टू कनेक्ट मोर मॉनिटर्स, एच डी एम आई पोर्ट्स अलाउ टू आउटपुट आउटपुट बोथ ऑडियो एंड विजुअल, दे सपोर्ट हाई डेफिनेशन सिग्नल्स, फास्टर डेटा ट्रांसफर, एच डी एम आई इंक्रीजेज द बैंडविड्थ मेकिंग इट पॉसिबल टू सप्लाई द मेस नेसेसरी डेटा फॉर हाई क्वालिटी साउंड एंड विजुअल इफेक्ट्स। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले ये बेसिक्स लिख लो थोड़ी बहुत। आई बिलीव इसका भी कोई सवाल अभी तक नहीं आया है 9618 के अंदर। पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं इस पर। अच्छा सेकंड पॉइंट में विजुअल एंड ऑडियो का क्या मतलब है? देखो इसको एक काम करते हैं, एडवांटेजेस के अंदर है ना ये, नहीं चलो सुनो, होता क्या है कि आप लोगों के पास सिग्नल्स ट्रांसफर करने के लिए, अगर थोड़ा बहुत याद हो तुम लोगों को, ये किसी के पास PS2 था, PS2 एनी वन हेयर, PS2 वाले एक्सबॉक्स में आई गेस था, लेकिन PS2 का तो मुझे कन्फर्म है। PS2 में वो तीन वायर्स आती थी, तीन वायर्स आती थी, एक येलो वाइट और रेड, तो उसमें से एक जो होती थी वो बेसिकली आप लोगों का विजुअल को और एक साउंड को और एक और चीज़ होती थी इसमें। अब जो हाँ एक साउंड की होती थी और एक वीडियो की होती थी, मतलब उसमें से एक चीज़ अगर कनेक्ट नहीं करो, फॉर एग्जांपल विजुअल वाला कनेक्ट कर दिया, तो आप लोगों के जो सिर्फ विजुअल्स आ रहे होंगे साउंड नहीं आएगी, और फिर आपको येलो वाली को भी कनेक्ट करना पड़ता था जिससे आप लोगों की जो है साउंड आ रही होती थी, तो दोनों अगर कनेक्ट होंगी फिर होगा, तो एक तीसरी का भी कोई काम था। तो एच डी एम आई के अंदर ये सब सिनारियो नहीं होता, एच डी एम आई में सिर्फ एक ही केबल है। इवन के जो अभी मेरा सेटअप है उसमें मेरे पास जो लैपटॉप मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मॉनिटर है उसके अंदर स्पीकर बिल्ट इन है, और मेरे पास एक लैपटॉप है, मैंने दोनों को एच डी एम आई से कनेक्ट किया हुआ है। अब जो भी चीज़ मैं चाहूँ तो मैं इजीली इसको, मैं अगर दिखाऊँ तुम लोगों को, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ही नहीं आएगा पता नहीं, लेट्स सी वेट लेट्स सी, नहीं आएगा। तो इसमें ना जब स्पीकर्स पे जाओगे ना यहाँ पे, तो स्पीकर्स के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ रहा होता है कि मैं इसको भी, इसके जो स्पीकर्स हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास साउंड के सिग्नल्स जो हैं वो भी बाय आपका एच डी एम आई केबल, वो भी आप ऑडियो सिग्नल्स भी जा सकते हैं और वीडियो सिग्नल्स भी जा सकते हैं, तो एच डी एम आई का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आप लोगों का। सर कैमरा ऑन करके दिखा दे इतना आसान नहीं है कैमरा ऑन करवाना सही है। अब जरा इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एच डी एम आई करंट स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न टेलीविजन्स,
कह सकते हो कंपैरेटिवली वीजे से बेहतर है। करंट स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न टेलीविजन एंड मॉनिटर्स अलाउज फॉर अ वेरी फास्ट ट्रांसफर रेट, इम्प्रूव सिक्योरिटी, हेल्प्स प्रिवेंट पायरेसी बाय द हेल्प ऑफ HDCP। HDCP क्या है? HDCP बेसिकली एक एक्सटेंशन है आपकी HDMI की, जो कि आप लोगों की पायरेसी को मेंटेन करती है। सही है, आपके जो डेटा है उसको छुपा के रखती है, ऐसे समझ लो। सपोर्ट्स मॉडर्न डिजिटल सिस्टम। HDCP पे थोड़े से और बात करते हैं, पहले लिख लो। देखो HDCP बेसिकली क्या है, सपोज करो ये हेल्प करती है पायरेसी के अंदर। पायरेसी मतलब क्या होता है कि इसको ऐसे समझो कि जो कंटेंट, जैसे जैसे नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। HDCP काइंड ऑफ होता है कि सपोज करो कि जैसे मेरे लेक्चर्स है ना, वो कोई और अगर कोई टीचर इसको अपलोड करेगा, कोई इसको एक्सेस करेगा वीआ HDMI से, उसको कोई स्क्रीनिंग करेंगे कुछ भी होगा, तो वो एक तरीके से HDCP जो है उसके अंदर हेल्प करती है कि कोई और उस डाटा को एक्सेस ना कर पाए। अगर मैं इनकी जो सर्विस है उसको इनरोल करता हूँ, तो उसमें फिर मेरे पास ये सिनेरियो भी आ जाता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ HDCP। तो एक तरीके से पायरेसी को मेंटेन रखते हैं। पायरेसी होती है कि ओनरशिप बेसिकली, हाँ ये कह लो सही, किसी और की मतलब बगैर क्रेडिट्स दिए किसी भी चीज़ का एक्सेस करना, ये समझ लो, ऐसे कहते हैं पायरेसी। सपोर्ट्स मॉडर्न डिजिटल सिस्टम्स। अब जितने भी नए कर्व्ड मॉनिटर्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो सब बेसिकली HDMI को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका रिफ्रेश रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इनकी सिक्योरिटी भी बहुत इंप्रूव्ड है। डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ करते हैं, ऑडियो सिग्नल्स और विजुअल सिग्नल्स दोनों ट्रांसफ़र करते हैं, और एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं हम, ये भी इंडस्ट्रियल। मतलब जो नया लैपटॉप आएगा उसके अंदर आपके पास HDMI केबल होता है हर सूरत में। सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम, जो 1% है वो एप्पल ख़त्म कर देती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ HDMI, नॉट अ वेरी रोबस्ट कनेक्शन। अराउंड मैंने अपनी ज़िंदगी में मोर देन 50+ HDMI केबल चेंज किए होंगे, मोर देन 50, क्योंकि सॉरी एक्सबॉक्स 360 है, वो भी आपके HDMI से कनेक्ट होता है, तो वो बेंड हो जाते हैं, जो उसके जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये बेंड हो जाता है, और जब ये बेंड होता है तो फिर कभी भी नहीं चलता। सही है, तो इट्स नॉट अ वेरी रोबस्ट कनेक्शन, ईजी टू ब्रेक कनेक्शन वेन सिंपली मूविंग डिवाइसेज। जब आप डिवाइसेस को मूव करें तो ये टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। लिमिटेड केबल लेंथ, केबल लेंथ जो है वो लिमिटेड होती है इसके अंदर, बेसिक पॉइंट्स से ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। सर आप लेजेंड है ना सर। हाँ अब जो मैं इस्तेमाल करूँ वो मैं तकरीबन अराउंड 3 to 4 years हो चुके हैं, क्योंकि ये इसको मैं मूव ही नहीं करता हूँ ना, ये एक ही जगह पे रहती है, दैट्स द रीजन। जवाब इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि वाइल मूविंग डिवाइसेस। सही है जी। नहीं, अब नहीं खरीदनी है मुझे, नहीं। सही चलो जी, VGA को स्टडी करते हैं, फालतू टेक्नोलॉजी बचते। हाँ समझ गया मैं तुम्हारी बात। अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना है VGA, कुछ ऐसा देखता है। मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब अपने जमाने में, बहुत अजीब सा होता है यार, बहुत अजीब सा होता है, इसको समझने में ही आधा घंटा लग जाएगा। इसको टाइट करो बैठ के, इस चीज़ को टाइट करो, फिर यहाँ से इसको टाइट करो, इसको टाइट करो, बहुत फारिग चीज़ है यार। HDMI कनेक्ट कर लो ये की चीज़, सेम बहुत फारिग है। पढ़ लेते हैं भाई, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे बेसिकली क्या है? बहुत
उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं आप लोगों के पास क्वेश्चंस के अंदर, तो आप लोगों को पता होने चाहिए। और इनको ढूंढने के लिए मतलब इतना है कि ये इतनी आउटडेटेड है कि मुझे मतलब मुझे एक भी गूगल के ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास इतनी ज़्यादा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड। लेकिन फिर भी कर लेते हैं जो भी चीज़ें हैं एक तरीके से सेफ साइड पर रहने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ वीजीए, इट्स अ सिंपलर टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपलर टेक्नोलॉजी है, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी जितनी भी होती है ना उसके पास आपकी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं। सही है, जो रिसोर्सेज जब ज़्यादा होती हैं उसका कंटेंट ज़्यादा है, तो उसका उसके बारे में आप सीख सकते हो ज़्यादा। जो भी नई डिवाइसेज होती हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है, तो इसको इस वजह से ये सिंपलर टेक्नोलॉजी है। कनेक्ट करना आसान है इसको, जो ख़ास तौर पर एक दो दफ़ा अगर आप करोगे तो समझ आ जाएगी बात, लेकिन जो ये पिन्स है ना ये बेंड हो जाती हैं, तो इन पिन्स को फिर सीधा करते रहो बैठ के, वो डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। ओनली वन स्टैंडर्ड अवेलेबल, ओनली वन स्टैंडर्ड अवेलेबल मतलब कि जैसे USB 2.0 USB 3.0 होता है, इसमें सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है नॉर्मल VGA का। सही, ईजी टू स्प्लिट द सिग्नल्स एंड कनेक्ट अ नंबर ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम वन सोर्सेस। इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, एक स्प्लिटर आता है उससे इनके जो सिग्नल्स हैं वो डिवाइड किए जाते हैं और फिर वो दूसरी डिवाइसेस को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे तीन चार मॉनिटर्स एक साथ कनेक्ट करने हैं, तब मैं क्या करूँगा वीडियोग्राफिक्स के स्प्लिटर्स लूँगा और उनकी वजह से आपके जो सिग्नल्स हैं वो एक ही सोर्स से उनको स्प्लिट करके अलग अलग डिवाइसेस में लगा सकते हैं आप। ये एक एडवांटेज है VGA का। द कनेक्शन इज़ वेरी सिक्योर। सिक्योर किस लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये जो ब्लू कॉन्टेक्ट है, ये ब्लू जो सर्कल्स जहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक तरीके से ये काइंड ऑफ स्क्रू होता है, तो ये जाके फिट हो जाता है। एक दफ़ा अगर फिट हो गया तो फिर आप इसको लूज करो, लूज करने के बाद फिर वो निकलता है। सही, तो इस वजह से ये आप लोगों का बहुत सिक्योर कनेक्शन होता है। VGA सपोर्ट्स अ हायर रिफ्रेश रेट, जैसे HDMI का रिफ्रेश रेट है उससे तो कम है, लेकिन फिर भी अराउंड 60 Hz तक ये भी आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है। रिफ्रेश रेट मतलब हर्ट्स की बात हो रही है, FPS की बात हो रही है। सही, समझना है हर्ट्स को तो फिर तुम इसको FPS से लिंक कर लो अभी फिलहाल के लिए, सेम नहीं होते लेकिन फिर भी। डिसएडवांटेजेस ऑफ VGA, VGA के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट डज नॉट सपोर्ट ऑडियो, मतलब ये ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ विजुअल्स की जो ट्रांसफर होता है वो उसको देख रहा होता है। इट इज आउटडेटेड एज मॉडर्न लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स रेयरली हैव अ VGA पोर्ट। मुझे नहीं पता कि एक होते हैं कुछ लैपटॉप आते हैं जो फुल ऑन किताबों जैसे होते हैं साइजेस जिनके, उसके अंदर हाँ VGA का ऑप्शन होता है। तो अगर आपको कभी कभार सिर्फ VGA मौजूद हो तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, VGA टू HDMI कन्वर्टर भी आता है, HDMI टू VGA कन्वर्टर भी आता है, तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है, कुछ जैसे कंपनीज के अंदर लैपटॉप्स मिलते हैं तो उसके अंदर VGA होता है ताकि आपके जो प्रोजेक्टर है वो कनेक्ट हो सके। प्रोजेक्टर के अंदर आपका ऑडियो का कोई काम नहीं होता, तो इस वजह से आप लोग सिर्फ विजुअल्स का काम है तो आप लोग VGA को इस्तेमाल कर लेते हो। सही है, आउटडेटेड एज मॉडर्न लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स रेयरली हैव अ VGA पोर्ट। ईजी टू बेंड द पिंस व्हेन मेकिंग कनेक्शन, जो पिंस हैं वो ईजिली बेंड हो जाती हैं। कौन सी पिंस की बात हो रही है, आपके जो इसका पोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें इसको फिट करना है, तो यहाँ पे छोटे 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 डॉट्स बने हुए होते हैं और उन डॉट्स के अंदर बेसिकली इन पिंस को हम लोगों ने फिक्स करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ये बेंड हो जाती हैं, फिर या तो आप अपनी अम्मा के पास लेके जाओ इसको, फिर वो सीधा करके देंगे आपको, वो इसमें मास्टर होते हैं ज़्यादातर लोग, जो भी पुराने लोग होंगे ना वो इसमें मास्टर होते हैं पिंस को सीधा करने में, तो पता नहीं किस किस तरीके से ट्वीज़र वगैरह से पता नहीं क्या सीधा कर लेते हैं लेकिन वो लोग तो ये तरीका है इसका बेसिकली। ये हैं सारे डिसएडवांटेजेस, इजी टू बेंड द पिंस व्हेन मेकिंग कनेक्शंस। चलो अब एक चीज़ और सुनो, जब भी ऐसी चीज़ें आती है ना VGA डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, कोशिश किया करो जितना कंटेंट लिख सकते हो ना लिखो, मतलब जो नई चीज़ें हैं खास तौर पे थियोरेटिकल में, जो नई सिलेबस में चीज़ें ऐड हुई हैं जिनकी मार्क्सिम हमें नहीं पता, उसमें जितना मैक्सिमम कंटेंट लिख सकते हो लिखो। एट द एंड आपको नहीं पता कि किस चीज़ के आपको मार्क्स मिल जाए। सही है, तो कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख कर आया करो, टू द पॉइंट बात मत किया करो जो कि आपको मार्किंग स्कीम जिसकी नहीं पता होती। सही है, तो जल्दी से इसको लिख लो और जो लंबी करना चाहो ना वो एग्जाम में कर लेना इसमें। ओह ओह ओह
अच्छा भाई, ये हो गया आप लोगों का पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे फेच एग्जीक्यूट साइकिल। सही है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।